हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़ और आटे की पपड़ी। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं गुड़ और आटे की पपड़ी बनाना। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम आटा है, गेहूं का आटा लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया जितना आटा लेना है उसकी आधी मात्रा में यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। तो सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बना कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम गुड़ को इस तरह से फोड़ के डाल देंगे, इसके इस तरह से टुकड़े कर लें। और यहाँ पे मैंने डाला आधा कप के आसपास पानी डाला, इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है जिससे कि ना जो गुड़ है वो नीचे चिपके नहीं। ये देख, गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, चाशनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हमारे आटा को तैयार कर लेंगे। इसमें डालेंगे अब हम 1 बड़ा चम्मच तेल। इसे ज़्यादा तेल हमें इसमें नहीं डालना है, नहीं तो हमारी जो पपड़ी है वो टूट जाएगी। और इसको हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तिल। तिल से जो हमारी पपड़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तिल डाल के भी हम आटे में इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में हम इसको साइड में रख देंगे और जो हमारी चाशनी थी उसको छान लेंगे, जिससे कि जो गंदगी है वो छलनी के ऊपर रह जाएगी। ये हमारा गुड़ का पानी अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिलाएंगे। इसका हमें आटे का एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है, इसका हमें टाइट डो तैयार नहीं करना है। इस तरह से इसको गूंथते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर 10 से 15 मिनट ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आटा एकदम सेट हो जाए अच्छे से। तेल लगाने के बाद थोड़ा सा एक बार हम और उसको गूंथ लेंगे। अब इसको हम ढक्कन रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसके हम 2 बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ कर तैयार कर लेंगे। बेलने से पहले हम नीचे स्पेस पे किसी भी जगह मतलब वहाँ पे तेल लगा लें और इसको इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे। हम जितना पतला बेलेंगे हमारी पपड़ी है वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया है, उससे हम इस तरह से पपड़ी को काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने सारी पपड़ियों को काट के तैयार कर लिया है। ये जितनी हमारी बस ये हमारी पतली होनी चाहिए पपड़ी, यहाँ पे मैंने उसको बहुत ही पतली बेला है। ये देखिए, देखिए इस तरह से। इसे हम एक थाली में सुखाने के लिए रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। अब इसे हम सुखा लेंगे। मैं इसको और बेल लूँगी और पतला कर लेंगे इसे हम। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने पपड़ियों को और भी पतला बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसी आटे से हम शक्करपारे बना के तैयार भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से शक्करपारे बनाते समय हम जो लोई बेलेंगे वो थोड़ी सी मोटी रखेंगे। देखिए इस तरह से उसको काट लेंगे शक्करपारे के आकार में। देखिए लोकेट सी। अब हम तेल में इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। सारी पपड़ी और शक्करपारे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं और इन्हें सुखाए हुए 1/2 घंटा हो गया है। हमारा मीडियम गर्म है, आज मैंने बिल्कुल रोल रख रखी है। पपड़ी डालते समय हम आज को बिल्कुल लो पे ही रखेंगे, जिस तेज़ रखेंगे तो हमारी पपड़ी फटाफट जल जाएगी। इसे हम लो मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से हम चलाएंगे, जिससे कि हमारी पपड़ी टूटे नहीं। अब आंच मैंने लो मीडियम पर कर दी है और इसको इस तरह से पलटते पलटते हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी पपड़ियों का एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, पपड़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। और इसे हम एक थाली में अलग से निकाल देंगे। सारी पपड़ियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस हमें पपड़ियों को डालते समय आँच हमेशा लो पे ही रखनी है, हमें तेज आँच पर पपड़ियों को फ्राई नहीं करना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, इससे डार्क भी हमें पपड़ियों को नहीं फ्राई करना है। शक्कर पारे को भी हमें सेम प्रोसेस से ही फ्राई करना है। बस ये थोड़े से तिल होते हैं जो तेल में निकल जाते हैं। ये देखिए हमारे शक्कर पारे और पपड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और इस शीतला सप्तमी पर आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए हमारी बहुत ही क्रिस्पी पपड़ी बनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।